हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स अमेजिंग न्यूज चैनल। तो दोस्तों, आज का मुद्दा है जब सचिन तेंदुलकर ने डायपर पहनकर खेला था वर्ल्ड कप। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की गपशप। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो और वो भी वर्ल्ड कप में, और वो सचिन के सामने हो शोएब अख्तर, तो दोस्तों दुनिया में देखने के लिए इससे अच्छी चीज़ कोई और हो ही नहीं सकती। आज हम आपको वर्ल्ड कप 2003 के दो ऐसे किस्से सुनाने वाले हैं जो सचिन को क्रिकेट का भगवान बनाते हैं। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान ऐसे ही नहीं कहा जाता, उनको ये मुकाम उनके खेल के प्रति जुनून ने दिलाया है। सचिन ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कई साल कड़ी मेहनत की है और अपने इसी जुनून और मेहनत से कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। ऐसा एक घटना के बारे में सचिन ने बताया था कि एक मैच के दौरान उन्हें एक बार डायपर पहनकर उतरना पड़ा था। इस बात का जिक्र उन्होंने भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान कमेंट्री के वक्त किया, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ जो हुआ था वो बताते हैं, क्योंकि उसे क्रिकेट के फैन का तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन शोएब अख्तर कभी नहीं भूलेंगे और फिर आपको बताएंगे डायपर वाला किस्सा। चलिए शुरू करते हैं 2003 के उस वर्ल्ड कप को। 19 साल हो गए हैं दोस्तों, वक्त कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। शनिवार का दिन था और देश में अघोषित छुट्टी का माहौल था। पूरा देश टीवी के आगे टकटकी लगाए बैठा था। साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन के मैदान पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच 2003 वर्ल्ड कप का मैच खेला जा रहा था। पाकिस्तान की तरफ से जब सईद अनवर ने 101 रनों की पारी खेली थी और स्कोर बोर्ड पर 273 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर लगा दिया था। अभी आपको ये स्कोर बहुत कम लग रहा होगा, उस समय ये स्कोर मैच जीतने के लिए काफ़ी होता था। हालत ये थी कि इसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि इंडिया ये मैच आसानी से जीतेगी। अगर जब सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी ने रन बनाना शुरू किया तो ये मैच इंडिया क्रिकेट इतिहास के सबसे हसीन लम्हों में शामिल हो गया था। पहले ओवर में ही दिख गया था इस 273 जैसे लंबे चौड़े स्कोर के जवाब में भारत को अच्छी शुरुआत चाहिए थी, लेकिन अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर जैसे गेंदबाजों के सामने ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। ये वो दौर था जब इन तीनों की तिगड़ी से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज खौफ खाते थे, पर इधर सामने भी सचिन और सहवाग थे और पहले ओवर में ही इन्होंने अपने तेवर दिखा दिए थे। वसीम अकरम ने गेंद के साथ पारी की शुरुआत की और वसीम के ओवर में सहवाग और सचिन ने एक एक चौका जमाया, लेकिन असली धमाका हुआ दूसरे ओवर में, जिसमें इस मुकाबले को सबसे यादगार बनाया सचिन वर्सेस शोएब। वो ओवर और वो छक्का दूसरे ओवर में शोएब अख्तर गेंदबाजी के लिए आए और सामने सचिन तेंदुलकर थे। शोएब उस वक्त तक दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज बन चुके थे, यानी वो 100 मील वाला रिकॉर्ड बना चुके थे जो आज तक बरकरार है। अख्तर के ओवर की तीसरी गेंद जो हाल हुआ वो आने वाले सालों के लिए भारत पाकिस्तान मुकाबले की सबसे यादगार तस्वीर बन गई। शोएब की गेंद शॉर्ट पिच गेंद ऑस्टम से बाहर थी और सचिन ने अपने पंजों पर खड़े होकर हाथों को पूरा खोला और द बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर जबरदस्त कट लगाते हुए छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम इस शॉट के कारण उत्साह से भर गया। इस शॉट में स्टेडियम से लेकर घर पर टीवी पर मैच देख रहे लोगों में जोश भर दिया। सचिन ने अगली दो गेंदों पर भी लगातार दो चौके जमाए। इस ओवर से 18 रन आए और भारत ने पहले 5 ओवर में ही 50 रन जोड़ लिए, लेकिन फिर वकार यूनिस ने लगातार दो गेंदों पर सहवाग और गांगुली का विकेट चटका दिया। यहां से क्रीज पर आए मोहम्मद कैफ ने सचिन के साथ बेहतरीन साझेदारी की। दोनों के बीच 102 रनों की साझेदारी हुई और मैच घर आ गया। वो कैच जिसने तोड़ दिया भारतीयों का दिल, 35 रन बनाकर कैफ आउट हो गए। कैफ का विकेट गिरने के बाद सचिन अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, ये यादगार शतक होने वाला था, लेकिन शोएब अख्तर ने अपना बदला लिया और सचिन को एक जबरदस्त बाउंसर पर आउट करवा दिया। उस खान ने जैसे ही सचिन का कैच लिया, हर भारतीय फैन को जबरदस्त झटका लगा। सचिन 98 रन बनाकर आउट हो गए थे। 98 रन सिर्फ 75 गेंदों में 12 चौके और एक यादगार छक्के की मदद से आए थे। यहां से भारत को 100 से भी कम रनों की जरूरत थी और फिर युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ के बीच 99 रनों की नाबाद साझेदारी हुई, जिसमें युवराज ने बेहतरीन 50 और द्रविड़ ने 44 रन बनाए और भारत ने 46वें ओवर में 4 विकेट खोकर ये मैच अपने नाम कर लिया। सचिन मैन ऑफ द मैच रहे और ये पारी भारत और पाकिस्तान मैच
के इतिहास में अमर हो गई। ये वही वर्ल्ड कप है जिसकी शुरुआत हमारे क्रिकेटर्स के घरों हमले और तोड़फोड़ से हुई थी। शुरुआती मैच में हारने के बाद सौरव गांगुली की कप्तानी वाली गोटी लगातार जीतती गई। खुद सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ मैच से पहले रात भर नहीं सो पाए थे। पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाने की वो भूख मैच के दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर सचिन ने अख्तर की गेंद पर जो छक्का लगाया वो क्रिकेट स्मृतियों में अमिट छाप छोड़ गया है। इस मैच का रोमांच यही खत्म नहीं हुआ था बल्कि वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में दिखा। जब प्रेजेंटर को बार बार क्राउड को कहना पड़ा कि कृपया शांत हो जाएं, पाकिस्तानी कप्तान वकार यूनुस ने कहा सचिन ने हमारे हाथ से मैच छीन लिया। फिर सौरभ गांगुली ने कहा सचिन की ये पारी उनकी लाइफ की सबसे बेहतरीन पारी है। फिर खुद सचिन ने कहा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में चौथी बार हराकर बेहद अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं डायपर वाले किस्से पर। अगर आपने इंसाइडेंस देखी है तो उसमें वायु राघवन एक मैच पर डायपर पहन कर बैटिंग करते हैं। खैर वो तो एक वेब सीरीज थी मगर वो कहते हैं ना कि फिल्मों में कुछ भी इंसिडेंस हकीकत से ही लिए जाते हैं और वो भी वही सीन था। बाद 2000 वर्ल्ड कप की है, भारत का मुकाबला श्रीलंका से हो रहा था। मैच से पहले सचिन तेंदुलकर डिहाइड्रेशन से जूझ रहे थे, ऐसे में उन्होंने खुद को फिट रखने के लिए पानी और एनर्जी ड्रिंक के साथ नमक लेना शुरू कर दिया। इसके बाद उनका पेट और भी ज़्यादा खराब हो गया। सचिन के लिए मैच में खेलना भी ज़रूरी था इसलिए उन्होंने डायपर पहनकर मैच में उतरने का फैसला किया। उनके साथ कमेंट्री कर रहे सहवाग ने बताया कि जब ड्रिंक्स ब्रेक होता था तो वे डायपर चेंज करने जाते थे। इस बात का जिक्र सचिन ने अपनी किताब में भी किया था। इस मैच को भारत ने 183 रनों से जीत लिया था। सचिन ने इस मैच में 120 गेंदों पर 96 रन बनाए थे। हालांकि उस विश्व कप में पहुंचकर टीम इंडिया हार गई थी। फाइनल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार झेलनी पड़ी। सचिन ने क्रिकेट में हर वो रिकॉर्ड बनाया जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। विराट कोहली उनके नक्शे कदमों पर चलते हुए भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आपको सचिन की सबसे शानदार पारी कौन सी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।